अध्यक्ष महोदया, मैं देख रहा हूं कि जब भी हमारे विपक्ष में कुछ लोग हमारी किसी बात की आलोचना करने जाते हैं तो तथ्य तो कम होते हैं, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में ऐसा था, हमने ऐसा किया था, हम ये करते थे, ज्यादातर उसी कैसेट को बजाया जाता है। लेकिन ये न भूले कि भारत आजाद हुआ उसके बाद भी जो देश आजाद हुए वो हमसे भी तेज गति से काफी आगे बढ़ चुके। हम नहीं बढ़ पाए, मानना पड़े, और आपने मां भारती के टुकड़े कर दिए, उसके बावजूद भी ये देश आपके साथ रहा था। आप उस जमाने में देश पर राज कर रहे थे, प्रारंभिक 3-4 दशक विपक्ष का एक प्रकार से नाम मात्र का विपक्ष था। वो समय था जब मीडिया का व्याप भी बहुत कम था और जो था वो भी ज्यादातर देश का भला होगा इस आशा से शासन के साथ चलता था। रेडियो पूरी तरह आप ही के गीत गाता था और कोई स्वर वहां सुनाई नहीं देता था, और बाद में जब टीवी आया तो वो टीवी भी आप ही को पूरी तरह समर्पित था। उस समय न्यायपालिका में भी जुडिशरी की टॉप पोजीशन पर भी नियुक्तियां कांग्रेस पार्टी करती थी, पार्टी के द्वारा तय होता था, यानी इतनी लग्जरी आपको। उस समय कोर्ट में न कोई पीएल होता था, न कोई एनजीओ की ऐसी भरमार हुआ करती थी। आपको, आप जिन विचारों से पले बड़े हो, वैसा ही माहौल उस समय देश में आपको उपलब्ध था। विरोध का नामोनिशान नहीं था, पंचायत से पार्लियामेंट तक आप ही का झंडा फहर रहा था, लेकिन आपने पूरा समय एक परिवार के गीत गाने में खपा दिया। देश के इतिहास को भुला करके एक ही परिवार को देश याद रखे, सारी शक्ति उसी में लगाए। उस समय देश का जज्बा, आजादी के बाद के दिन थे, देश को आगे ले जाने का जज्बा था। आपने कुछ जिम्मेवारी के साथ काम किया होता तो ये देश की जनता में सामर्थ्य था, देश को कहां से कहां पहुंचा देते।